हाय फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन। प्रोनंसिएशन, वो भी करेक्ट प्रोनंसिएशन सीखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। शुद्ध उच्चारण, सही उच्चारण, अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या खूबसूरती से अपनी बात दूसरों के सामने रखना चाहते हैं तो हमारा उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। तभी तो लोगों पर इंप्रेशन जमेगा हमारा या हमको कहीं भी कामयाबी मिलेगी कम्युनिकेशन में। जैसे कोई इंटरव्यू है या कहीं पर भी कोई मीटिंग है, कोई सेमिनार आपको लेना है, उच्चारण सही है तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा, वो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मेरी एक प्रोनंसिएशन की प्लेलिस्ट है जिसमें 130-140 वीडियोस हैं प्रोनंसिएशन के। अगर आप उनको देख लें और उनको उनकी प्रैक्टिस करके सीख लें तो आप कमाल के उच्चारण से इंग्लिश बोल सकते हैं। और मैं अपनी इस प्लेलिस्ट के बारे में कई बार आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको प्रोनंसिएशन का फिर से एक अनोखा रूल बताने वाला हूँ। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, थोड़े लंबे वर्ड्स, जो ABLE से ख़त्म होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स में ये एंड में जो ABLE है उनका क्या उच्चारण होगा? तो इनका उच्चारण होता है दोस्तों अबल। इसको एबल नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ एक एग्जांपल्स बता दूं। जैसे एक वर्ड है CONTABLE। अब इसको हम अक्सर हम लोग कैसे पढ़ लेते हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं काउंटेबल। तो दोस्तों काउंटेबल नहीं पढ़ना है, शुद्ध उच्चारण होगा काउंटेबल। यानी ABLE को अबल पढ़ना है, एबल नहीं, तो पढ़ेंगे काउंटेबल। अच्छा, काउंटेबल यानी जिसको गिन सकते हैं, जिसको काउंट कर सके वो काउंटेबल है। और इसका जो एंटोनिम है, ऑपोजिट वर्ड है, वो है अनकाउंटेबल। तो इनको पढ़ना है काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अगला वर्ड AVAILABLE, इसको पढ़ना चाहिए अवेलेबल। इसको भी हम लोग अक्सर अवेलेबल पढ़ लेते हैं, अवेलेबल नहीं पढ़ना है दोस्तों, अवेलेबल। तो पढ़ेंगे काउंटेबल, अनकाउंटेबल, अवेलेबल। एक और वर्ड बताता हूँ, कैपेबल, CAPABLE। कोई अगर किसी काम को करने के योग्य है, उसके लायक है, तो हम बोलते हैं वो इस काम को करने कल के लिए कैपेबल। इसको भी दोस्तों कैपेबल ऐसे करके नहीं बोलना है, कैपेबल। और वर्ड डूएबल, कोई काम जो करने के लायक हो या करने योग्य हो या जिसको किया जा सकता हो, DOABLE को भी डूएबल नहीं बोलेंगे, डूएबल बोलेंगे। एक और वर्ड बताता हूँ, सेलेबल, SALEABLE। सेलेबल का मतलब जिसको बेचा जा सके, जो बेचने योग्य है, सेलेबल। इसको भी सेलेबल नहीं बोलेंगे। जो बोलते हैं ना सेलेबल सेलिब्रिटीज, ऐसे सेलिब्रिटीज जिनकी कीमत आज भी मार्केट में। तो दोस्तों आप समझ गए, कोई भी थोड़ा लंबा वर्ड जो ABLE से ख़त्म होते, यानी जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल्स हो, अब ये वर्ड बोला मैंने, तो इसको पढ़ेंगे सिलेबल। इसको भी सिलेबल नहीं बोलना चाहिए, SYABLE, सिलेबल। अच्छा, सिलेबल क्या होता है, अगर ये सीखना हो आपको, तो मैंने जो आपको प्लेलिस्ट बताई प्रोनंसिएशन एंड फोनेटिक्स मेरे चैनल पे, उसमें जाके आप देखिए वीडियो, तो आपको सिलेबल क्या होता है, सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है, सब मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों ABLE से ख़त्म होने वाले वर्ड्स को में हम ABLE को पढ़ेंगे अबल, एबल। बाकी दोस्तों आपका प्यार मुझे मिल ही रहा, आपका काफ़ी समर्थन मुझे मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से एक कमाल की बात बताऊंगा और हम साथ ही मिल करके सीखेंगे इंग्लिश को, प्रोनंसिएशन को, वोकैबुलरी को, ग्रामर को, सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, और हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।